ॐ नमो नारायणायमलम् ओकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रशा श्री कृष्ण व्यम नम हरि ओम आज के इस तत्व बोध के सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है तत्व बोध ये ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर तरह से रचा हुआ है इसकी रचना आदि शंकराचार्य जी भगवान जी ने की है और ये जो ग्रंथ है इसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं इसलिए क्योंकि जब प्रस्थान त्रय यानी वेदश फिर भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र इनमें से कोई पढ़ाई करनी है तो वेदांत के अनेक छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए ये सरल भाषा में और बहुत सहजता से इस तत्वबोध की रचना आदिशंकराचार्य जी ने की है मंगलाचरण श्लोक करके हम अपने आज के इस सेशन को शुरू करते हैं वास्देन्द्र नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु मुोनाम तत्वबोधो तत्वोधोते यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये मुमुक्षु के हित के लिए ही लिखा गया है ताकि उनको ये पता चले कि जीवन में साधना जो है ये साधना हम यानि मुमुक्षु को कैसे करनी है तो अभी हमने देखा है कि जो व्यक्ति इस साधना मार्ग पर चलकर उस साध्य को पाना चाहता है उसके लिए साधन चतुष्टय बहुत जरूरी ऐसा साधन है कौन से है ये साधन चतुष्टय? चार साधन पहला है विवेक दूसरा है वैराग्य तीसरा है समाधि षटक संपत्ति जो हमने हमारे पिछले सेशन में बहुत ठीक से उस पर चर्चा की थी और चौथा है मुमुक्षुत्व तो आज हम मुमुक्षुत्व के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आगे का भी पोर्शन हम देखेंगे मुमुक्षुत्व तो इसकी पहले डेफिनेशन क्या है यह पहले हम देखते हैं मुमुक्षुत्व किमोक्षो में भू याद इति मुख्युत्व किम ये क्या है मोक्ष में भूयात इति इच्छा ये ऐसी इच्छा है कि जिस इच्छा से हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए तो मोक्ष की जो इच्छा होती है इसी को मुमुक्षु यानि मुमुक्षा कहते हैं मोक्ष की इच्छा मुमु मुमुक्षु और ये जिसको ये इच्छा है ऐसा जो व्यक्ति है वो है मुमुक्षु तो ऐसा मुमुक्षु जो है ये पहले तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि ये मुमुक्षु मुमुक्षु कैसे बना तो सरल बात यह है पहले तो विवेक की जरूरी होती है जो व्यक्ति इस परम श्रेष्ठ परमात्मा को पाना चाहता है उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन डिसिप्लिन यानी नियमबद्धता तो यह नियमबद्धता आने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है <laughs> और उसमें का पहला गुण है विवेक तो कभी कभी जब ऐसी बात सुनते हैं सर्वसाधारण लोग कि जहाँ बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन यानि एलिजिबिलिटी यानी अधिकारित्व चाहिए तो पहले तो उनको डर ही लगता है कि ये बोलेंगे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो तो देखिए ये सर्वसाधारण लोगों की बात देखिए ध्यान देना जरा कि अगर हम सर्वसाधारण हैं तो हमारा ध्यान उस उच्च देह की तरफ होगा ही नहीं इसलिए हमको ये छोड़ो ये छोड़ो यही बहुत लगता है लेकिन जो एक्स्ट्रा है जो असामान्य है उसका ध्यान उसका ध्येय ही वो परम है उसका ध्येय ही वो श्रेष्ठ परमात्म तत्व है तो इसके लिए उसका ध्यान ये छोड़ना ये छोड़ना इसके ऊपर नहीं होता है उसके ऊपर होता है इसलिए ये छोड़ने को अगर जरूरी है तो वो सहजता से उसको छोड़ सकता है किसी चीज को पाना जरूरी है तो उसको सहजता से पाना भी उसके लिए कठिन नहीं होता है तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर सर्व सामान्य है तो उसके जीवन में उच्च ध्येय होता ही नहीं है और अगर उच्च ध्येय नहीं है तो उसको तो ये कैसे वो कैसे ये ऐसा वो वैसा ये हम नहीं छोड़ सकते ये हम नहीं कर सकते हैं बस एक्सक्यूजेस हजारों रहती है तो इसलिए आदिशंकराचार्य भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये जो ग्रंथ है वो किसके हित के लिए मुमुक्षु के हित के लिए है क्योंकि वही एक अधिकारी व्यक्ति है कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति का ध्यास लगा हुआ है उसको संपूर्णतः अभी एक और एक ही चाहिए वह है परमात्मा की प्राप्ति तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में विवेक यानी कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है इसका जो भली भांति ज्ञान होता है उसे कहते हैं विवेक उसको कहते हैं विवेक तो विवेक से हम कौन सत्य वस्तु है कौन असत्य वस्तु है यह जान सकते हैं तो ऐसा साधन उसके पास होता है वो साधन जब उसका बहुत दृढ़ हो जाता है तो अपने आप वैराग्य आता है क्यों क्योंकि उसको यह पता चलता है कि नित्य वस्तु इस संसार में कोई है नहीं तो मैं किसके पीछे दौड़ू इसलिए वो शांत होकर के पूरी तरह से फोकस हो जाता है और उसकी सारी जो इतनी क्रेविंग्स थी वस्तुओं के प्रति वो सारी चली जाती है अभी उसके मन में एक ही सिर्फ बड़ा और बहुत प्रबल ऐसा विचार है उस ध्येय की प्राप्ति का इसे ही वैराग्य कहा है फिर कहते हैं देखो षटक संपत्ति शम मन का निग्रह दम इंद्रियों का निग्रह ये दोनों भी हमने बहुत संविश यानी बहुत अच्छे से चर्चा करके देखी थी इसकी कि इस दोनों का भी जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द लाइफ सो अ पर्सन हु वांट्स टू वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ ट्रुथ शुड रिड्यूस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक टू द मिनिमम एक्सटेंट अपने पसंद नापसंद ये दोनों भी मन के जो स्ट्रांग विचार है उसको एकदम से कम करना है ताकि मन पर पूरी तरह से काबू पा सके और इंद्रियों पर भी काबू पा सके फिर होता है उपरम तो जब ऐसा इंद्रियों पर काबू आ जाता है मन पर काबू आ जाता है तो ये मन स्वस्थ रहता है इसको फिर बार बार पकड़ करके वहां लाना नहीं होता है ये अपने आप से शांत रहने लगता है श्रद्धा तितिक्षा तो तितिक्षा यह है कि वो सारे आने वाले जीवन में कठिन प्रसंगों को बहुत सहजता से वो उसका सामना कर पाता है सहनम सर्व अप्रतिपार अप्रतिकार अप्रतिकार पूर्वकम कोई भी रेजिस्टेंस न रखते हुए आने वाले जो भी सिचुएशंस है वो भी अनुभव है उनको सहजता से वो सामने जाता है सहजता से उनको निभाता है ऐसा जब उसका मन तैयार होता है तो वो बहुत ज्यादा सहनशील हो जाता है इस वस्तुओं के प्रति और आने वाले सारे के सारे सिचुएशंस और एक्सपीरियंस के प्रति आगे बोलते हैं श्रद्धा फेथ बहुत जरूरी है फेथ इन द गुरुज वर्ड्स एज वेल एज इन स्क्रिप्चर्स देन आता है समाधानम एक चित्त अग्रह एक चित्त ग्रह मीन्स पूरा फोकस होना चाहिए अपने ध्येय की तरफ और फिर अभी आज हम देख रहे हैं मुमुक्षु तो ये सारे के सारे जब साधन विवेक वैराग्य समाधि षटकंपति धीरे 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 स्ट्रांग होने लगते हैं तो अपने आप अंदर की जो इच्छा है वो बड़ी ही मजबूत होती है तो ये मुमुक्षुत्व के चार प्रकार होते हैं एक जिसको पहला है वो अतिमंद अतिमंद मुमुक्षत्वम हाँ हा। यानी हाँ भैया परमात्मा कहीं है रहने दो जब कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में भी सोचेंगे ऐसा अगर किसी का विचार है कि जब समय मिलेगा तो वो परमात्मा के बारे में भी सोचा जाएगा उसको भी पाने का प्रयत्न कर सकते हैं तो ये तो बड़ा ही मंद ऐसा मुमुक्षुत्व है फिर उसके बाद भी थोड़ा जाओ तो ये तो ये जो हुआ वो अति मंद हुआ फिर थोड़ा आगे गए तो मंद तो थोड़ा सा सजग हो जाता है ये व्यक्ति नहीं नहीं मुझे उसको पाना है पर क्या करूं इतनी सारी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यह भी मैं छोड़ नहीं सकता हूं फिर जब जब समय मिला तब तब मैं थोड़ा थोड़ा तो मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा जब होता है तब जाकर के उसे मंद तुम कहते हैं मध्यम मुमुक्षव वो काफी समय निकालता है और शास्त्र की पढ़ाई भी करता है पर उसका जो 25% परसेंट टू 30 परसेंट मन है वो अटका पड़ा हुआ है इस संसार और संसार की मैं मैं की बातों में लेकिन काफी हद तक 70% क्लियर हुआ है इसलिए वो पढ़ाई करता है सत्संग करता है पर अभी पूरी तरह से उसका मन उस संसार से निकला हुआ नहीं है पर एक होता है जिसका वैराग्य बहुत तीव्र होता है उसका मुक्षत्व भी बहुत तीव्र होता है तो ये तीव्र मुख्यत्व मुख्यत्व जो होता है ऐसी जो मोक्ष को पाने की इच्छा जिसकी है ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे होता है एक और एक ही उसको पाना है दूसरे किसी भी चीज के ऊपर उसकी अभी कोई भी जरा भी इच्छा बची नहीं है तो इतना तीव्र ऐसा उसका मुख्यत्व है जैसे कठोपनिषद में एक कथा है वो कहते हैं कि नचिकेत नामक बालक उसमें है और वो अपने पिताजी को कुछ बात कहता है तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो पिताजी जो उसके पिताजी जो राजा है वो राजा उस छोटे बालक नचकेत को कहते हैं जाओ तुमको मैं यमराज को दे देता हूं जब वो बच्चा ये बात सुनता है तो उसको लगता है कि अच्छा ही हुआ अभी मुझे यमराज के पास जाना ही चाहिए तब वो यमराज जी के पास जाता है और यमराज जी घर पर नहीं होते हैं तब वो तीन दिन तीन रात्रि कुछ भी खाए पिए बगैर सिर्फ इंतजार करता है यमराज जी का ताकि वो उनसे शिक्षा ग्रहण कर सके और जब यमराज जी आते हैं और उनको पता चलता है कि एक छोटा सा बालक बड़ी तपस्या करके वो मेरे सामने घर के सामने खड़ा है पहले तो उनको अंदर बुलाते हैं पूछते हैं तो वो जब यमराज जी आते हैं तब कभी अंदर पैर रखता है तो देखिए ऐसे छोटे बालक को पहले तो वो जल देते हैं फिर थोड़ा कुछ फल खाने को देते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए तो कहता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए कि जो जानने के बाद सब कुछ जाना जैसा हो जाता है तो बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है जाओ मैं तुमको बहुत सारे खिलौने देता हूँ जाओ मैं तुमको बड़ा राज्य देता हूँ जाओ मैं तुमको बहुत पत्नियाँ और बहुत सारे हाथी घोड़े देता हूँ जाओ तब वो छोटा सा बालक कहता है कि ये सब के सब जो है ये सब अशाश्वत है ये कभी भी मुझे उस शाश्वत को जानने नहीं देंगे इसलिए ये जो सब अशाश्वत आप मुझे देना चाहते हो या आप अपने पास ही रखो मुझे तो मैंने जो मांगा है बस वही दो इसको कहते हैं तीव्र मोक्ष की इच्छा इतना छोटा बालक होकर के भी उसको इतना सब मिलने मिल रहा था सब कुछ देने के लिए तैयार थे पर उसने सब कुछ क्या कर दिया तो उस गिफ्ट जो मिलने वाली थी उसका त्याग कर दिया तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय है और दूसरा कोई भी उसका मन में एक परसेंट भी किसी चीज़ का लगाव नहीं है ऐसा जो है उसको कहते तीव्र तो जब किसी व्यक्ति में ये चारों साधन विवेक वैराग्य क्षमादि शट्क संपत्ति मुमुक्ष पूरी तरह से आ जाते हैं तो क्या कहते हैं चतुष्ट कहते है, जो हमने अभी कहा कि ये चार साधन जो है इसी को साधन चतुष्ट कहते हैं तत् अभी ये तत तत्व विवेकस्य अधिकारीण भवंती बोले जब ये पा लेता है कोई तो ये पाने के बाद ये व्यक्ति जिसने इस को पा लिया है इस साधन चतिष्टय को पा लिया है यानी विवेक वैराग्य क्षमाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व को पा लिया है ऐसा व्यक्ति फिर ये साधन चतिष्ठय का अधिकारी बनने के बाद फिर ये कैसा है ये अभी तत्व विवेक से अधिकारी नवंती बोले वो तत्व तत्व का एनालिसिस तत्व का डिस्क्रिमिनेशन तत्व के बारे में सोचने के लिए अभी ये पूरी तरह से फिट हो गया है ऐसा यहां आदिशंकराचार्य भगवान कहते कि अब ये उस सत्य को जानने के लिए जो साधन इसको चाहिए वो साधन इसके पास पूरी तरह से आ गए हैं तो उसने क्या करना चाहिए अभी इसने तत्व विवेक करना चाहिए ये तत्व विवेक क्या होता है तो अगला जो टॉपिक है वो यही है तत्व विवेक कहा। तत्व विवेक ये क्या चीज है यानी व एंक्वायरी इन टू ये चीज क्या है एंक्वायरी यानी पूछताछ कि ये तत्व क्या चीज है उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है अभी कहते हैं उसके लिए सही विचार करना जरूरी है और विचार कैसे वेदांत के दिए हुए साधन के साथ वेदांत ने कौन सा साधन दिया है ज्ञान का साधन हम सब साधकों को वेदांत शास्त्र ने दिया है तभी यहां कहते हैं तत्व विवेक कह अभी उसका सुंदर ऐसा एक्सप्लेनेशन वर्णन किया है आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वं मिथ्येति मिथ्या इति क्या कहा तत्व विवेक यानी आत्मा सत्यम आत्मा एक ही सत्य है तद अन्यत उसके अलावा सर्वम जो भी कुछ है वो मिथ्या ही है सिर्फ तो अभी हमको ये जानना बहुत जरूरी है के आत्मा सत्यम और तद अन्यत सर्व मिथ्यती ये मिथ्या को ही असत कहा गया है अभी इसको हम थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे हाँ पहले आत्मा सत्यम क्या है इसको पहले जानो आत्मा यानी वो सत्य है जिसकी प्राप्ति के लिए यह साधक प्रयत्नशील है और यह सत्य कैसा है यह सत्य नित्य है नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तदव्यतिरिक्तम सर्व अनित्यमिति। तो यह आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म नित्य है नित्य यानी तीन जो काल है एक होता है भूत काल यानी टेंस, दूसरा होता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और तीसरा होता है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस तो ये तीनों काल जो है ये तीनों कालों में जो सारे संसार की वस्तुएं हैं वस्तुएं जैसे ये, ये, ये एक वस्तु है वैसे ये शरीर मन बुद्धि भी एक वस्तु ही है ये हमेशा हमेशा बदलती ही रहती है तो बदलना ही इनका सही स्वभाव है सारे संसार की वस्तु और प्राणियों का भूतों का यही स्वभाव है वो हमेशा बदलते रहते बदलते रहते हैं तो कहते हैं कि संसार में ये तीनों कालों में जो कभी नहीं बदलता है यानी भूतकाल में जैसा के वैसा था वर्तकाल में जैसा के वैसा है और भविष्य काल में जैसा के वैसा रहेगा ऐसा जो तत्व है वो नित्य है और वो नित्य तत्व ही आत्मा है और यही सत्य है तो यानी आत्मा जो है वो सत्य है यानी सत्य जो होता है वो कभी बदलता नहीं है ये हमने जान लिया ये विचार को समझो इस बात को समझो इस वेदांत की शिक्षा को ग्रहण करो कि ये आत्मा ऐसा है सत्यम और सत्यम कैसा है कि जो तीनों कालों में कभी नहीं बदलता इसकी वजह से जो नित्य है जो पूरी तरह से बदल कभी किसी भी वजह से नहीं सकता जो एक ही है जो कभी किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से या इंटरनल चीज़ से कभी उसमें कोई भी बदल पॉसिबल नहीं है जो हमेशा जैसा था वैसा ही रहता है ऐसे चीज को चीज़ बोलना पड़ेगा ऐसे सत्य को आत्मा कहते हैं अभी आत्मा तो हमने देख लिया अभी हम देखने वाले हैं तद अन्य सर्वम मिथेती तो ये मिथ्या को जानना है मिथ्या को ही असत कहा है देखिएगा ये असत दो लेवल्स के होते हैं इसको जानो और इसको पकड़ो पकड़ो यानी <laughs> इसको याद रखो तो क्या है ये बात देखिए एक असत होता है उसको कहते हैं कि एक खरगोश है और किसी ने कहा कि खरगोश के दो बड़े बड़े सुंदर काले काले ऐसे सिंग थे हॉन्स तो ये बात क्या हो गई तो इसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस कि ये खरगोश जो है ये जो रैबिट है इसको ये जो हॉन्स है ये आ ही नहीं सकते हैं हो ही नहीं सकता है ये तो क्या हो गया नॉन टेंस ये बिल्कुल है ही नहीं ये तो सिर्फ झूठ और झूठ ही है लेकिन <laughs> दूसरा एक असत ऐसा होता है कि जो होता तो है दिखता तो है महसूस तो होता है बट उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व यानी स्वतंत्र अस्तित्व जिसका नहीं होता है ऐसे वस्तु को मिथ्या कहते हैं जो वस्तु देखने में या सुनने में या टच करने में दिखती तो है वो समझ में तो आती है पर वो जैसे दिखती है वैसे रहती नहीं है ऐसा जो है उसे मिथ्या कहते हैं अभी देखिए है। इस चीज को जानने के लिए हमको एक बात जानना बहुत जरूरी है तो हम एक उदाहरण लेकर के आपको बताएंगे देखिए अभी मिथ्या के बारे में हम सोचने वाले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये और सारे के सारे वेदांत शास्त्र जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं उनको यह बात पूरी तरह से क्लियर होना स्पष्ट होना अनिवार्य है तो देखिएगा एक उदाहरण अभी लेते हैं मिथ्या इस शब्द को समझने के लिए यह है चश्मे का घर ठीक है इसमें चश्मा रहता है तो आ, दिस इज अ स्पेक्टैकल केस ये संपूर्णतः प्लास्टिक का बना हुआ है एक एक बात हम आपको समझाते हैं अभी देखो ये जो चीज है इसको एक तो सुंदर सा ऐसा रूप है हाँ सुंदर सा रूप है और इसको सुंदर ऐसा नाम भी दिया है क्या है चश्मे का घर ठीक है अभी दो चीजें हो गई एक है इसमें रूप और एक है इसका नाम ध्यान में आ गया अच्छा तो रूप बहुत सुंदर है यहां चश्मे का घर ये और नाम भी उसका बढ़िया है चश्मे का घर अभी हम देखते हैं हाँ इसको आगे समझते हैं अभी पहले जानो कि ये जो रूप है और ये नाम है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई यानी ये रूप और नाम जो है ये अपने आप में स्वतंत्रता इनका अस्तित्व है देखो मैंने क्या कहा ये रूप और नाम ये चश्मे का घर चश्मे का घर जो है इसका एक रूप है और इसका एक नाम है तो क्या इस नाम और रूप को अपना स्वतंत्र अस्तित्व है इट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो समझ में आएगा नहीं क्यों हम समझाते हैं पहली बात के ये पूरे यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। जो है बस एक और एक सब्सटेंस का बना हुआ है और वो है प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को एक फॉर्म दिया गया और उस फॉर्म को एक नाम दिया गया देखिए प्लास्टिक ही प्लास्टिक है उसको एक फॉर्म मिल गया और उसको एक नाम दे दिया तो क्या हो गया तो उसको ये रूप आ गया और यही नाम भी आ गया लेकिन अगर मैं इसको तोड़ मोड़ दूँ ध्यान देना अगर मैं इसको तोड़ मोड़ दूँ तो ये नाम और ये रूप पूरी तरह से चला जाएगा क्यों क्योंकि उनका ये नाम का और ये रूप का कोई स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व है नहीं इसका अस्तित्व था ये प्लास्टिक के ऊपर तो ये प्लास्टिक को मैंने अलग कर दिया यानी उस जो फॉर्म था उस फॉर्म की वजह से वो नाम था तो मैंने इस फॉर्म को अलग कर दिया अबे ध्यान देना कि जब ये फॉर्म को मैंने अलग कर दिया तो इसका जो रूप था पहले वो चला गया यानी जो चला जाता है जो बदलता है पहले वो था लेकिन बाद में वो वैसा नहीं रहा इसको वेदांत शास्त्र में असत कहते हैं और इसी को मिथ्या कहते हैं कि जो कुछ देर के लिए तो होता है बट वो वैसा के वैसा नहीं रहता है क्योंकि उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है इसी के लिए उसे मिथ्या करके जानते हैं तो अभी देखो अभी हम पूछते हैं कि ये पूरा के पूरा जो चश्मे का घर है इसमें यहां से यहां यहाँ से यहां यहाँ से यहां यहां से यहां यहां से यहां एक ही एक चीज है और उसे कहते हैं प्लास्टिक यानी है, प्लास्टिक को ही एक फॉर्म मिल गया और उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन लेवल के लिए यानी गिफ एंड टेक यानी लेन और देन के लिए नाम दिया गया यानी दो चीजें प्लास्टिक पर अध्यारोपित कर दी गई यानी उस पर सुपर कर दी गई एक है वो है फॉर्म यानी रूप और दूसरा है वो है नाम तो ये नाम और रूप ये दोनों अध्यारोपित है उस प्लास्टिक पर यानी सुपर किए हुए हैं, लेकिन जब इसका एनालिसिस करो जब इसका पृथककरण करो तो पता चलता है कि ये नाम और रूप इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इनका अस्तित्व पूरा के पूरा इस प्लास्टिक पर निर्भर है वैसे ही जब ये संपूर्ण संसार हम देखते हैं तो ये संपूर्ण संसार में जो भी वस्तुएं हैं जो भी प्राणी हैं जो भी भूत गण हैं सब के सब जो है ये इसी कैटेगरी में आते हैं असत कैटेगरी में क्यों क्योंकि वो दिखते तो है बिकॉज एक फॉर्म है और उन सबको नाम भी दिया गया है इस व्यवहारिक जगत के लिए ताकि उसके साथ व्यवहार हो सके पर ये जो नाम है और ये रूप है इसमें अपना ऐसा कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्यों क्योंकि ये घड़ी घड़ी बदल रहा है जैसे ये शरीर पहले छोटा था बच्चे के रूप में था तो हम छोटे से जब बच्चे थे तब ये शरीर का एक रूप अलग था था या नहीं हाँ जी फिर यही शरीर वो रूप बदल करके यौवन में आ गया हाँ या ना हाँ जी फिर यही शरीर जब यौवन से प्रौढ़ अवस्था में आ गया फिर से इसका रूप बदल गया और फिर ये भी रूप बदल करके ये जर्जर एकदम से ओल्ड एज में चला जाएगा तब इसका रूप और बदल जाएगा तो देखो ना हो क्या रहा है जो छोटा बच्चा था वो रूप तो कहीं चला गया तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में कोई स्वतंत्र ऐसा उसका अस्तित्व था ही नहीं वो बदल रहा है बदल रहा है और कुछ दिन के बाद ये जो रूप दिख रहा है शरीर रूप ये नहीं रहेगा देखिए यानी पहले जो था जो बदल रहा है और एक दिन वो पूरा बदल करके एब्सोल्युटली अव्यक्त इस स्थिति में भी जा सकता है ऐसे हर एक वस्तु का स्वभाव होता है ऐसे ही इस सारे संसार के वस्तुओं का स्वभाव है इसलिए इस संसार को असत और मिथ्या कहते हैं और इस सारे संसार का जो स्वतंत्र ऐसा आधार है जो परिपूर्ण ऐसा आधार है वो एक और एक ही है जिसे आत्मा कहते हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं तो ये है तत्व विवेक यानी तत्व का विवेक करना तत्व एक ही है जो अनेक दिख रहा है जो विविधता दिख रही है वो सिर्फ मिथ्या है उसमें सत्यत्व लेश मात्र भी नहीं है देखिए ये सारे सुंदर विचार सुनने में कभी कभी बड़े अच्छे लगते हैं पर इसको समझना जरूरी है इसके ऊपर मनन करना जरूरी है और इसको पूरी तरह से समझ करके अपने जीवन में अपनाना जरूरी है तब जा के हम इस ज्ञान को पूरी तरह से कैसे देख पाएंगे हस्त अम्लवत यानी अगर हाथ के ऊपर आंवला का जो फ्रूट होता है उसको रखा गया तो उसको कितना क्लियर हम देख पाएंगे वैसे ही जब हम इस सारे ज्ञान को ठीक से समझ जाते हैं ठीक से अपनाते हैं और उस ज्ञान दृष्टि से फिर संसार देखते हैं तब हमें इस तत्व का विवेक समझ में आता है आज के इस सेशन में हम इतना ही बस यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि एक एक कंसेप्ट अगर हमने समझा और उसको अपनाया और उसको पूरी तरह से गांठ बांध कर इस हृदय में रखा तो फिर इस तत्व को पाना कोई बहुत दूर की बात नहीं है ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपादमङ्गलम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो नारायणाय <believers> <Administrationís> <avez>